वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 द नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस नंबर सिस्टम का इंट्रो पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स जो होते हैं उसका मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट हो जाएगा इसका रियल नंबर, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर जो है वो आप क्लास 9 के इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो आपकी हायर क्लासेज में आएगा। तो बात करते हैं पहले रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होते हैं कि ये रियल होते हैं, मतलब कि ऐसे नंबर जिसकी एक्चुअल वैल्यू इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर ऐसे हो जाएंगे जिसकी सिर्फ और सिर्फ आप इमेजिनेशन ही कर पाते हैं। इमेजिनरी नंबर का एक एग्जाम्पल जो है वो लिया हुआ है यहाँ पे आयोटा। ये जो आई लिखा हुआ है इसको हम आयोटा से पढ़ते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है कि माइनस ऑफ रूट माइनस वन। तो इस टाइप के जो जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर को आप इमेजिनरी नंबर से समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हम रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर के और भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, फिर इंटीजर्स, कॉम्पोजाइट नंबर, प्राइम नंबर, इवन और ऑड नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये जितने भी नंबर है ये सारे नंबर जो है वो आपने क्लास 8th में पढ़े हुए हैं। तो आज हम दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है देखिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरली अगर हम किसी भी इंसान को अगर हम कहें कि आप जो है वो गिनती बोल के दिखाइए, तो वो इंसान जो है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6, या हिंदी में बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो कोई भी इंसान जो होता है वो नेचुरली कभी भी जीरो को गिनती के अंदर ऐड नहीं करता है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, जो 1 से स्टार्ट हो, है ना। तो 1 to infinity तक चले, इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक, है ना। तो ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चलने चाहिए, इन्फिनिटी तक चलने चाहिए, ऐसे सारे नंबर जो होंगे उनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं वो नेचुरली किसी इंसान के मुंह से निकल सकते हैं। फिर आते हैं होल नंबर। तो होल, होल का मतलब सब, सब में तो जीरो भी आ गया, है ना। तो ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक चलने चाहिए, अनंत तक चले, इन्फिनिटी तक चले, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, ये हमेशा होंगे पॉजिटिव नंबर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। फिर बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब हो जाएगा पूर्ण अंक, मतलब कि उसके अंदर सब चीज़ें आ जाएगी। अभी पूर्णांक को आप और कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब कि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, तो आपके इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कॉम्पोजाइट नंबर। कॉम्पोजाइट नंबर जो होते हैं वो एक तरह का क्या है कि एक मिक्सचर नंबर होते हैं, जैसे कि जिसके कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर निकल सकता है। जैसे कि आप 2/4 की अगर बात करते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है कि भाई 2 में भी 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 1। तो इसका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है, देखिए कि 2 और 1 जो है वो इसके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो जिस नंबर में कॉमन फैक्टर निकलते हैं उन सारे नंबर्स को आप क्या कहते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर बोल सकते हैं। फिर देखिए कि ये जो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर कैसे होते हैं कि ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं आप 3 से, तो 3 जो है वो या तो 3 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से ही डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स को आप क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, प्राइम नंबर के अंदर कौन कौन आते हैं, तो 2 होता है, 2 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से ही डिवाइड होता है, तो 2 होता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 11 13 17 19 23 so on, आगे तक और भी चलते जाएंगे। तो ये जितने भी नंबर वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये सभी नंबर ऐसे हैं कि ये या तो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से ही डिवाइड होंगे, एल्स किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर बोल सकते हैं। फिर इवन नंबर, ओड नंबर। इवन का मतलब सम संख्या, ओड का मतलब विषम संख्या। तो ये दोनों होते क्या है, जो देखिए ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, है ना। तो ये ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उन नंबर्स को आप कहते हैं इवन नंबर। एंड ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, लाइक 3 5 7 9, तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उन सबको आप क्या कह देंगे, ऑड नंबर। ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर बात आती है रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेशनल नंबर। अभी रेशनल नंबर को आप कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा
कि ऐसे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. कि ऐसे नंबर जिसको आप क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं. अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टी फॉलो होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. क्या होती है कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, मतलब कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी एक नंबर होना चाहिए. और जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये एक अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी. इसलिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. एंड P और Q में से कोई भी एक कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए. अगर ये कॉमन फैक्टर है तो पहले ये कंपोजिट नंबर बनेगा, और उसके बाद में जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे उसके बाद में ये रेशनल नंबर बनेगा, एल्स वो कंपोजिट नंबर ही रहेगा. तो रेशनल नंबर को कैसे समझ सकते हैं हम, कि नंबर विच डिफाइंड एट पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देर आर नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, कॉल्ड रेशनल नंबर. की रेशनल नंबर को आप कैसे समझ सकते हैं, p बटे व q के रूप में आप इसको लिख सकते हैं. p और q बहुत सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो होते ही जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी. फिर इरेशनल नंबर जो है वो इसी रेशनल नंबर का ऑपोजिट हो जाएगा. ऐसे नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है. तो आज जो है वो हमने इसी का इंट्रो पार्ट जो है वो पूरा पढ़ लिया है. इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट कर देंगे. थैंक यू.